ये रौबदार शेरनी है किंग की टेल। उन पांच शेरनियों में सबसे बड़ी, जिनसे मिलकर बना है ये खूंखार झुंड, नाम है सॉसेज ट्री प्राइड। झुंड का सरमाएदार है एक रौबीला नर, नाम है किपुली, और उसके दो नौजवान साथी जो झुंड में ही पले बढ़े हैं। भरपूर सौगातों वाला इलाका है उनका। और इस इलाके के बीचों बीच खड़ा है एक सॉसेज ट्री, जिससे झुंड का नाम पड़ा है। हालांकि किपुली और उसके साथियों का अभी तक इन मादाओं से कोई बच्चा नहीं हुआ है, लेकिन सॉसेज ट्री प्राइड एक मजबूत झुंड है। जिसकी बेखौफ अगुआ है किंग की टेल। साथ मिलकर जबरदस्त कहर बरपाते हैं ये दुश्मन और शिकार दोनों पर। उनका पसंदीदा खाना है भैंसा, लेकिन ये भारी भरकम जानवर कड़ी टक्कर देते हैं हर तरह से लैस शिकारियों तक को। अब इस भैंसे को मारने के लिए जरूरी है झुंड का एक तेज तर्रार शिकारी जत्था होना। घनघोर बारिशों के इस मौसम में आसमान से हफ्तों तक लगातार बरसता है पानी। अब हालात चाहे जैसे भी हो, किंग की टेल और उसके झुंड को पेट तो भरना ही है ना। शिकार में हर एक को निभाना पड़ता है अपना किरदार। और एक अगर थक जाए तो दूसरा कमान संभालता है। धीरे धीरे बड़ी तरकीब से अपने शिकार को थका देते हैं वो। तलवार की धार पर टिका होता है पलड़ा मांसाहारी और विशाल शाकाहारी के बीच। लेकिन सॉसेज ट्री प्राइड इस खेल में खूब माहिर है। किंग की टेल के अगुवाई में वो आखिरी हमले के लिए ताकत जुटाते हैं।
आखिरकार दांतों और पंजों के लगातार हमले से पस्त भैंसा घुटने टेक ही देता है। जंग के बदनुमा दाहों में रंगा झुंड थोड़ा दम भरने के बाद हाथ साफ करता है जंग में मिले इनाम पर। वीरानों में जान की कोई कुर्बानी जाया नहीं जाती। शेरों की रवानगी के बाद बचे चीथड़े बहुतों का पेट भरते हैं। कुदरत का तरीका है ये, और ऐसे ही हालातों में हर जीव जिंदगी के उतार चढ़ाव सहने को मजबूर है। छूट किसी को भी नहीं, चाहे वो भारी भरकम हो या कोई शर्मीला। भर पेट खाना मिला है झुंड को, फूले पेटों की बेचैनी दूर करने को लंबी तानने से बेहतर और क्या होगा भला। इधर वो छाया में झपकी लेंगे और उधर उनके शरीर के दमदार डाइजेस्टिव सिस्टम्स अपना काम पूरा करके उनमें फिर से इतनी फूर्ती भर देंगे कि वो अपने इलाके में आगे बढ़ सकें। पेट की भूख शांत होने पर किपूली और शेरनियों में से एक अपनी एक दूसरी भूख मिटाने पर ध्यान देते हैं। कुनबा बढ़ाने की सॉसेज ट्री ब्राइड की आस है उनके बीच उभरता ये रिश्ता। साढ़े तीन महीने लगते हैं उनकी कोशिशों की कामयाबी सामने आने में। ये नन्हा झुर्रीदार चेहरा सॉसेज ट्री ब्राइड की अगली पीढ़ी की झलक है। अपने बूते उठाने के लिहाज से बोझ कुछ ज्यादा ही भारी है इन नन्हे कंधों पर।
खासकर एक ऐसे खतरों से भरे इलाके में। इस जिंदगी को पालने पोसने और इसकी हिफाजत करने में झुंड अपनी पूरी ताकत लगा देगा, लेकिन हालात नासाज हैं इसके लिए। ये एक नामुमकिन सफर है। असल में तो जिंदगी के शुरू होने से पहले ही इसका खत्म होना बंधा है, इस जैसे बहुतों के लिए। मार्च, अप्रैल और मई में ज्यादातर वक्त बारिश की झड़ी लगी रहती है। इस मूसलाधार बारिश को झेल जाना बाएं हाथ का खेल है शेरों के लिए। ये वो ताकत है जो जान फूंकती है उनके इलाके में। भूमध्य रेखा की बारिश रिफ्ट वैली की उपजाऊ मिट्टी को सराबोर करके घास की हरी चादर से ढक देती है मसाय मारा के इन मैदानों को। और फिर इस हरे भरे मंजर में अंगड़ाई लेते हैं जीवन के तमाम रंग, जो अगले कुछ महीनों के लिए सेरेंगेटी से बाहर खींच लाते हैं एक से दूसरी जगह जाने वाले झुंडों को। इस बीच किंकी टेल और सॉसेज ट्री प्राइड को इन उपजाऊ वीरानियों के पेश किए हर शिकार पर हाथ साफ करना होगा। कई दिन बीत गए हैं उन्हें अब भरपेट खाना खाए। दूर से आती आवाजें किस्मत आजमाने को ललचाती हैं उन्हें कुछ देर के लिए धूप से नहाए मैदानों की तरफ। जंग का मैदान सज चुका है। लेकिन उनसे पहले तो दूसरे पर भक्षी पहुंच चुके हैं वहां। लकड़बग्घों का एक जत्था झुंड को ललकार कर अफरा तफरी मचाते हुए हमले की तैयारी में है। हदों को परखते हुए कमजोर को दबोच लेता है। भैंसे मुकाबला करते हैं, लेकिन लकड़बग्घों की तादाद लकड़बग्घों को ही कामयाबी दिलाती है। लकड़बग्घे भले तादाद में ज्यादा हैं, लेकिन
भूखा सॉसेज ट्री प्राइड भी इतनी आसानी से कहां मानने वाला है। किबूली और उसके साथ ही नर इलाकाई मामलों से भले साथ निपटते हों, पर खाने के मामले में कोई किसी का सगा नहीं होता। लेकिन इस शिकार से सभी का पेट भर सकता है। जल्दी ही झुंड लूट का माल आपस में बांट लेता है। और हमेशा की तरह इन वीरानियों के हादसे एक कुनबे से कहीं ज्यादा का पेट भरते हैं। लालच की अपनी जंग के निशान लिए किपुली हवा में तैरती, मन को ललचाती दूसरी महक पकड़ता है। मिलन के जोश में है ये शेरनी। झुंड में बच्चे नहीं है, लिहाजा अपनी तादाद बढ़ाने के लिए ये तो करना होगा इन्हें। इस बार छोटा नर बड़े के लिए रुकावट नहीं बनता। लड़ने का तो एक ही नतीजा निकलना था, जबकि इस कवायद का मकसद है सॉसेज ट्री प्राइड की तादाद बढ़ाना, न कि कम करना। पिछले से ज्यादा कारगर साबित करना होगा इस मिलन को। आखिर सवाल कुनबे की इज्जत का है। आग बारिश की ही तरह ये भी मारा इकोसिस्टम का हिस्सा है, और घनी घास ईंधन की कमी कहां होने देती है। बेलगाम बढ़ती आग झुंड की सब्ज शिकारगाह को देखते ही देखते बर्बादी की चादर से ढक देती है। गर्म राख से गुलबुलाकर उठ खड़ी होती है
एक नई जिंदगी। ज्यादा वक्त नहीं लगता नई शाखों को शाकाहारियों को लुभाने में। और शेर तो इंतजार में है ही। हालांकि आग की तपिश से तो वो भी अछूते नहीं रहते। अंधेरे और घास के अनछुए झाड़ों की मदद से वो लगाते हैं खाद। कामयाबी मिलेगी तो तरकीब और तालमेल से। आज रात एक बार फिर किंकी टेल और उसका झुंड दावत का लुत्फ उठाएगा। जीब्रा का ये निवाला तो बस शुरुआती लज्जत है उस ढेर से खाने की जो जगह बदलते झुंडों के मारा में पहुंचने पर मिलने वाला है। इलाकाई गश्त पर निकले इन नरों को नसीब नहीं हुई झुंड को मिली वो सौगात। लंबी बरसात की आखिरी झड़ी तपती धरती में नई जान फूंकती है। पेट में खाना पहुंचने के बाद झुंड फुर्सत पाकर एक दूसरे से सटकर आराम के पल बिता सकता है। आपसी नाता ही तो मजबूती देता है झुंड को। हालांकि उनकी नसों में एक ही खून बहता है, लेकिन ये मेलजोल ही है जो शेरनियों को आपस में जोड़कर एक मजबूत ताकत और नरों की आंखों का नूर बनाता है। बेमतलब नहीं है उनका ये लगाव, एक टीम के नाते उनकी कामयाबी के लिए जरूरी है ये। मौसम में बदलाव हवा में खुश्की ले आता है और मारा सांस थामे माइग्रेशन के पहुंचने का इंतजार करता है। किपूली अपना सारा वक्त किंकी टेल और उसके साथियों की सोहबत में नहीं बिताता। अपने इलाके की गश्त के लिए झुंड से दूर जाना होगा उसे।
लंबी कवायतों में वो और उसके साथ ही अलग अलग राहों पर बढ़ते हैं। लेकिन ऐसा वक्त भी आता है जब वो फिर आ मिलते हैं और नरम एहसासों से भरा होता है उनका ये मिलन। शेरनियों की तरह नरों का यूं आपस में मिलना साझेदारी के उनके करारों को और मजबूती देता है। इस बार कुछ पल मिलकर नर फिर अपने अपने उस काम पर आगे बढ़ते हैं जो शेर के नाते उनको करना होता है, यानी झुंड के इलाके पर दावा बनाए रखना। मारा नदी वो धारा है जो जीवन से सराबोर करती है इस हैरत अंगेज इकोसिस्टम को। नदी ही है जो मारा के बदलते मौसम में किसी न किसी मौके पर किसी न किसी तरह जीने के अंदाज पर असर डालती है हर जीव के। जून नए मौसम के आगाज की दस्तक देता है। मंजर में उम्मीदों की बयार बह निकलती है। नए ठिकानों की तरफ बढ़ने लगे हैं जानवर। सरंगिटी से उत्तर की तरफ बढ़ते हुए वाइल्ड बीस्ट के झुंड जमा होने लगे हैं मारा नदी के मुहानों पर। ये खींचे चले आते हैं उन हरे भरे मंजरों की कभी न खत्म होने वाली तड़प से जो मौजूद हैं इन जोखिम भरी अड़चनों के उस ओर। ज़ेब्रा भी काबू कहाँ रख पाते हैं लालच पर और बस कुर्बान हो जाती हैं कई जिंदगियां दिमाग में सवार धुन की वजह से। जुनून में डूबे जत्थे आगे बढ़ते जाते हैं और इधर जिंदगी देने वाली नदी मौत का कुआं बन जाती है। और एक बार फिर मुर्दा खोर दावत उड़ाते हैं।
लेकिन लाखों फिर भी बढ़ते जाते हैं और कामयाब होते हैं। और नदी किनारे घात लगाए बैठे खतरों से बच निकलने वाले विजेता की तरह बढ़ते हैं उम्मीदें जगाते मैदानों की तरफ। बहुत बड़ी कीमत चुकाकर नसीब हुई है उन्हें ये जन्नत। सॉसेज ट्री ब्राइड के इलाके से होकर गुजरता है मारा की तरफ बढ़ते विल्ड बीस्ट का रास्ता। और दाव मारने को घात लगाए बैठी हैं शेरनियां। इतनी दूर आ पहुंचे वाइल्डबीस्ट भी चौकन्ने हैं। दो दो हाथ किए बिना घुटने टेकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। किंकी टेल आगे बढ़कर अपने झुंड को याद दिलाती है कि शिकार कैसे करते हैं। मैदानी जंग का मुआयना करती है वो। और फिर दबे पांव छुप जाती है सुनहरी घास की चादर में। फिर एक छाया की तरह उभर कर दबोच लेती है एक जानवर को, इससे पहले कि वो जान पाए कि वो निशाने पर था। खाने को काफी कुछ है अब, फिर भी खुद बोझा ढोकर किंकी टेल साफ कर देती है कि पहले कौन खाएगा। अपने खाने का खुद इंतजाम करना होगा बाकी के झुंड को मिलकर।
शिकार में कामयाबी के आसार कई गुना बढ़ जाते हैं अंधेरा उतरने पर। ये वक्त है जब किसी पर भक्षी की गजब की नजर उसे उसके शिकार और धरती पर रहने वाले तकरीबन हर जानवर को अलग अलग रंगत में दिखाती है। वो खुद दिखाई नहीं देता। रात के वक्त शेर खुद को अंधेरे की चादर में छुपाए रख सकते हैं और जब सामने खाने को इतना कुछ हो तो सॉसेज ट्री प्राइड खाली हाथ तो रह ही नहीं सकता। माइग्रेशन की सौगात साथ लाती है झुंडों में अफरा तफरी का दौर, जब मांस की भूखी बिल्लियां ताक पर रख देती हैं इलाके के कायदों को। सॉसेज ट्री प्राइड कभी हिस्सा था एक कहीं बड़े झुंड का, लेकिन फिर दो शेरनियों ने कुनबे में दरार डाल दी अपनी खुद की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए। बच्चे पैदा करने की एक ही कोशिश में अलग हुआ झुंड दो से छह का हो गया। आसपास खुली जगह और भरपूर खाने की बदौलत बच्चे तेजी से बढ़ते गए। अब ये कुनबा अपने आप में एक ताकत बन गया है और अब अपनी हदों से आगे जा रहा है। मनमौजियों के किपुली के सॉसेज ट्री इलाके में घुसपैठ करने के बावजूद वो अपना दायरा बढ़ा रहा है। कश्त के अपने जाने पहचाने इलाके से आगे जाकर नई जगहों पर अपना दावा कायम करते हुए इन अनजान हिस्सों की मिल्कियत अभी तय नहीं है, लेकिन यहाँ का मालिकाना हक पाने के लिए किपुली को साबित करना होगा अपना दमखम कई मोर्चों पर।
एक आवारा नर अलग हुए झुंड की एक शेरनी पर डोरे डालता है, जिसके जोश की महक महसूस करके किपुली ठान लेता है कि चाहे जो हो वो उस नर की मंशा पूरी नहीं होने देगा। जल्दी ही उसकी असल काबिलियत अपना असर दिखाकर उसे दिलाती है उसका खास इनाम। एक और मौका अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने का। और इसके जरिए नए रिश्ते बनाने का। ओल्डोनियो पाइक भाइयों की एक ताकतवर जोड़ी को भनक मिल जाती है किपुली की गैर हाजिरी की। सॉसेज ट्री प्राइड के इलाके को बेहिफाजत देखकर ये भाई आगे बढ़ते हैं और इस भरे पूरे इलाके पर अपना दावा जताते हैं। वो कोशिश करते हैं अपने खुद के मेल बनाने की। भाइयों में से एक को अपने साथ मिलन करने की छूट देकर किंकी टेल अपने झुंड की हुकूमत में बदलाव की सुकून भरी राह बनाती है। माइग्रेशन का खत्म होना आगाज करता है सॉसेज ट्री प्राइड के दौर के खात्मे का। लेकिन किपुली की नस्ल का नहीं, उसकी विरासत तो बह रही है उसके वारिसों की नसों में। आखिरकार सॉसेज ट्री प्राइड को कामयाबी मिली। ये दो बच्चे झलक हैं इस कुंबे के आने वाले कल की। दूसरी बार बढ़ी है फ्राइड की तादाद। और नर्सरी में जुड़ती हैं चार नाजुक जिंदगियां। सॉसेज ट्री फ्राइड के लिए जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई है। खूंखार मादा शिकारियों की इस टीम को अब अपना ध्यान खुद अपनी हिफाजत करने की जगह एक माँ की तमाम जिम्मेदारियों की तरफ मोड़ना होगा। अपने बढ़ते कुनबे के लिए खाना जुटाना रोजाना की जिम्मेदारी है और झुंडों के लौट जाने के बाद
सॉसेज ट्री प्राइड अपना ध्यान वापस भैंसों के शिकार की तरफ मोड़ता है। पिछली बार महीनों पहले निशाना बनाया था उन्होंने इतने बड़े शिकार को। कामयाब होने के लिए मोर्चे पर एकजुट रहना होगा उन्हें। कई कोशिशों के बाद समझ आता है आगे बढ़ने का सबसे सही तरीका। और फिर कमाल दिखाता है उनका तजुर्बा। लेकिन तय मालूम देती जीत में रोड़े अटका देता है। भैंसों के बचाव दल का पूरी दमदारी के साथ आधमकना। शेर नए निशानों पर नजरें गड़ाकर फिर एक होते हैं और इस बार काम तमाम कर देते हैं। नवंबर बीतता है, दिसंबर आता है और हल्की फुल्की बारिश खिली धूप के ज्यादा खुश्क दिनों की राह बनाती है। मौसम में बदलाव के बावजूद सॉसेज ट्री शेरनियों को बहुत काम है। झुंड में फिर एक बार जोश से सराबोर ये बच्चे जो पैदा हुए हैं। भले ही इनमें से कुछ ही बच्चे जिंदा बचे लेकिन तब भी सॉसेज ट्री प्राइड की विरासत कायम रहेगी, क्योंकि मारा की सौगातों पर पैदाइशी हक है उनका और इनमें से हर एक अपनी नस्ल में सहेजे है। जांबाज शेरों की इस हैरतअंगेज समूह की कई खूबियां। मंजर तैयार है। सॉसेज ट्री प्राइड शेरों की नई पीढ़ी की जिंदगानियां जांबाज और दमदार किरदारों के बीच पनपेंगी। कुनबे का जीवन और मिलकर काम करना
उन्हें आपस में जोड़े रखेगा हर तरह के हालात में। और ये शेरनियां अपने काम में जुटी हुई हैं। ढल जाने में माहिर ये शेरनियां उतनी ही जिम्मेदार माँ होती हैं, जितनी दिलेर ये शिकारी होती हैं। ये दो अहम समझ हैं, जिनकी उन्हें जरूरत होती है हर हालात का सामना करके अपने कुनबे को संभालने और उन्हें बड़ा करने में। फिलहाल कमान किंग की टेल के पास है, जो बेखौफ रहकर अगुवाई कर रही है। वो सिर्फ नेता ही नहीं है, वो बहन है, मौसी है और है जंग में माहिर। और अब वो एक माँ भी है और वो पूरी जान लड़ा देगी ये पक्का करने के लिए कि कायम रहने की उसकी विरासत उनमें पहुंचे जिनकी वो परवरिश कर रही है।